बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूँ गोरबर और आज असी पकान लगे हैं दाल गोश्त। दाल गोश्त होममेड कर रहे हैं। बड़ा गोश्त असी लभ लिया, चने दाल भी असी लभ ली है, प्याज असी पा ले ने ते काम शुरू है। ते मैनू तो यार सही गल पकाना नहीं आता, बुढ़ी से किसी ने तरले कि यार तू पका ला ते मैं थोड़ी नाल वीडियो बना लाँगा, नाले लोगों को विखा भी देवगा कि पकई तो कहेंगे। तो सिल वड्डे का तो काम अपना ही आता है, जिस तरह लोग बुढ़िया अपने बंदे मसल दियाँ ने ना उन जी सिल वड्डे तो देखो मसाले मसल रही ने। तो ध्यान ना यार ना ही कार रखो तो चंगी गल हैगी, जिन्ना मर्जी अते पा लो ए सुरमे वगर कर दिता है सारा कुछ। हूँ देखने असं एक ही खाइए, बच्चे भी तंग कर रहे ने, भुख भी बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। हूँ ए ना हो पकाते पकाते मेरी बेगम कह दे कि जा जी रोटियां बहरों लाया, तो फिर वह मज़ा ही नहीं आना। ओए होए गोश्त भुनना शुरू हो गया, गोश्त की जी खुशबू है बहुत ज़्यादा है। ओए होए टमाटर भी आ गए ने, ए तो दौड़ भज के आ जाते हैं किसी भी हांडी क्योंकि रौनक है हांडी की। हूँ देखने की बनता है, और दाल कदों आनी है, दाल भी पा दौ जालमो। और चुल्हा तेज़ कर लिया यार, लगता हांडी लाल लगे ने, ना ही लगे तो चंगी गल। और दाल भी आ गई है, हूँ मज़ा आना जी। पर तो भुनी दाल लग रही है, शोरबा तो पिटा ही है, और शोरबा भी पहुँच गया जी, लगता तैयारी पूरी हो गई है। ए लो जी हूँ खाओ दाल गोश्त, नाल चौल खाओ भावें रोटियां खाओ, लेकिन चौल ना बहुत मज़ा आना जी मेरी मनो से। आहो